Welcome back to my channel. Thank you so much for all your love and support on my channel. And today I'm sharing my DIY kitchen organization video. इसका मैंने part one भी share किया था, जिसमें मैंने अपने gas range के नीचे वाले जो kitchen drawer है, उसको अच्छे से arrange किया था. तो आज मैं इसी का continuation दिखा रही हूँ आपको, जिसमें मैंने अपने बाकी के drawers जो हैं, जो कि kitchen countertop के नीचे हैं, उनको अच्छे से organize किया. तो जो ये next drawer है, ये इस drawer में पहले मैंने अपनी सारी दालें store की थी. तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक वायर रैक रखा है. तो ये जो एक्सटेंडेबल रॉड्स है, ये तीनों चीजें जो है मैं 100 यूएनसी लेके आई हूँ. तो 100 ईच है ये चीजें. तो इसको मैं एक तरीके से एक डीआईवाई शेल्फ क्रिएट करूंगी अपने जितनी भी बॉटल्स हैं उनके ऊपर, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस और बन जाए और इसके ऊपर मैं थोड़ा और भी कुछ सामान यूज कर सकती हूँ रखने के लिए. तो इस तरह के शेल्फ्स क्रिएट करना बहुत इजी हो जाता है. ये मैं एक सील लॉक यूज कर रही हूँ, जिसके हेल्प से ये जो नेट रैक है वो इस रॉड पे सील हो जाएगा और हिलेगा नहीं. ये बहुत ही इजी डीआईवाईज होते हैं जो 100 के थ्रू कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए 100 बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है यहाँ जापान में. और मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप कभी जापान आ रहे हैं तो प्लीज 100 जरूर विजिट करिएगा. आपको बहुत सी हेल्पफुल चीजें वहां मिल जाएंगी अपने घर के इंटीरियर्स के लिए. एक बात और बताना चाहूंगी मैं इन रैक्स के लिए, कि ये जो रॉड्स आती हैं एक्सटेंडेबल रॉड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट वेट कैटेगरीज की आती हैं. तो मैंने जो यूज़ की है वो अप टू 1 kg वाली है. तो मैं इसमें ज़्यादा हैवी सामान नहीं रख सकती, क्योंकि अगर मैं हैवी सामान रखूँगी तो वो नीचे गिर जाएगा. तो इसीलिए कुछ हल्के फुल्के आइटम्स रखने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है. तो फाइनली मेरी जो अपर शेल्फ है वो बन गई है, उसे मैंने लगा दिया है. और अब मैं ड्रॉअर सेटअप कर दूंगी. तो हर ड्रॉअर में मैं एक शीट यूज करती हूँ, जिससे कि नीचे का ड्रॉअर गंदा ना हो जाए, उसका बेस साफ रहे. और ये मेरा, तो अब ये जो दालों के डब्बे हैं, ये मेरे जाएंगे ड्रॉअर नंबर 3 में, जो कि है ये वाला. ये काफी ब्रॉड है और इसमें मैंने ये शेल्फ पहले ही क्रिएट किया हुआ था. ये मैंने इस वीडियो से पहले बहुत पहले क्रिएट किया हुआ था. और इस ड्रॉअर में से ये सारा सामान निकला है. पहले मैंने इस तीसरे नंबर के ड्रॉअर में सारे मसाले रखे हुए थे, जो कि मैंने बाहर निकाल दिए हैं. और हर एक ड्रॉअर को मैंने अच्छे से क्लीन किया है. तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करके इसके ऊपर एक शीट में छा दूंगी. एंड जो मेरे दालों के डब्बे हैं वो मैं इनमें रख दूंगी. तो इनमें दालों के डब्बे स्टैक करना थोड़ा अच्छा रहा, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है और वो गिरने के चांसेस भी नहीं है. इसमें आराम से इजीली स्टैक हो गए मेरे सारे दालों के डब्बे. चलिए अब मूव ऑन करते हैं ड्रॉअर नंबर 4. तो इसमें ये ऑलरेडी इक्विप्ड ये जो रैक टाइप थिंग है, ये मिली नहीं थी इसमें ऑलरेडी. तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसका यूज नहीं है मुझे. तो इसीलिए मैं इनके स्क्रू खोल के इनको हटा दूंगी और उसके बाद मैं अच्छे से ड्रॉअर को क्लीन करके इसके ऊपर भी एक शीट बिछा दूंगी. नॉन स्लिप शीट्स अच्छी रहती हैं, उनसे सामान इधर उधर आपका गिरता नहीं है. तो इसीलिए मैं अब इसको भी अच्छे से क्लीन करके अपना सामान स्टैक करना शुरू कर दूंगी. तो अभी मेरा मेन पर्पस है इस ड्रॉअर में वो बर्तन रखना जो मैं ज्यादा यूज नहीं करती. ये एक मैं बहुत ही बड़ी बास्केट खरीद के लाई थी वॉट्स, यानी कि 100 शॉप से. तो इसपे मैं अपना जो मेरा 5 लीटर का कुकर है, प्रेशर कुकर, जो बहुत रेयरली यूज होता है क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती उसकी, तो उसको मैं इसमें स्टोर कर दूंगी. और उसके बाद ये भी एक 100 से मैं बास्केट लेके आई थी. ये आई थिंक डाइसो से मैं लेके आई थी, तो डाइसो वाला बास्केट है. और इनमें मैं अपने जितने भी सर्विंग बोल्स वगैरह रहते हैं, बास्केट्स, छोटी छोटी टोकरियाँ रहती हैं सब्जियाँ काटने धोने के लिए, वो सब मैं इसके अंदर स्टोर करने वाली हूँ. ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड नहीं है मेरा कि मैं कौन सा सामान कहाँ रखने वाली हूँ. मैंने बस अपनी ड्रॉअर की मेजरमेंट ली थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ड्रॉअर्स के अंदर बास्केट जो है
मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने खरीदे थे ताकि इनको मैं अच्छे से नीटली स्टैक कर सकूँ और मेरा सारा सामान इसमें आ जाए. एंड बिलीव मी, इस तरह से बास्केट्स के अंदर सामान रखने से बहुत ही स्पेस बचता है और आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी निकल आता है जिनमें आप और भी सामान स्टोर कर सकते हैं. तो अभी मेरा नीचे इतना स्पेस बन गया था ड्रॉर में कि मैंने ऊपर के ड्रॉर से भी जो मुझे चीज़ें नहीं चाहिए थी वो मैंने नीचे वाले ड्रॉर में स्टैक कर दी अच्छे से. ऊपर वाला ड्रॉर मैं बेसिकली इसके लिए रखती हूँ कि डेली यूज़ की जो मुझे तुरंत चीज़ें सामने चाहिए वो मैं उस ड्रॉर से खोल के निकाल लूँ और बस मुझे ज़्यादा नीचे झुकना ना पड़े सामान. तो ये मेरा फाइनल ड्रॉर नंबर 5 है जो सिंक के नीचे होता है और इस ड्रॉर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया. इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक रैक टाइप ऑफ थिंग लगी हुई है जिसमें हम अपने नाइफ्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, बट मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी ना ही मैं इसको यूज़ कर रही थी. और यहाँ पे जैसे आप चॉपिंग बोर्ड वगैरह छोटे चॉपिंग बोर्ड्स भी रख सकते हैं, बट मुझे इसका कोई यूज़ नहीं था तो मैंने इसको भी स्क्रू से खोल के निकाल दिया. इस वाले ड्रॉर में मैंने एक नॉन स्लिप मैट बिछाया है, उसके ऊपर मैं ड्रॉर शीट बिछाऊंगी क्योंकि इसमें जो मेरे बर्तन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाते हैं, तो ये नॉन स्लिप मैट की हेल्प से वो बर्तन स्लिप नहीं होंगे. ज़्यादातर इसमें मेरे बोल्स, डेली यूज़ वाले बोल्स और जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं एंड मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स वो इसमें रहता है. तो ज़्यादा इसमें मैं सामान रखना पसंद नहीं करती थी शुरू से, बट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो अच्छी नहीं हो रखी थी तो उस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा खिचखिच हो गई थी. तो अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज होने के बाद बहुत स्पेस भी है और अभी इसमें इतना स्पेस है कि मैं इसमें और भी सामान रख सकती हूँ, बट मैंने इसको ज़्यादा भरा नहीं है, इसको थोड़ा खाली ही रखा है. ये जो मैंने एक कॉर्नर में एक रैक सा लगाया है ये भी मैं 100 से लेके आई थी. ये एक्चुअली है फाइल रैक, इसमें आप अपनी फाइल्स वगैरह स्टैक कर सकते हैं, बट इसको मैंने अपने बर्तन स्टैक करने के लिए यूज़ कर लिया. तो ये है मेरा फाइनल किचन ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन लुक. तो अभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई हैं, सामने दिखती हैं सब चीज़ें, कोई एक दूसरे के नीचे ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल से निकालनी पड़े, बहुत ही इजीली स्टैक हो जाती हैं दोबारा से वापस रखने पर भी. और जो चीज़ें यूज़ की नहीं है वो भी अच्छे से यहाँ पे है, उन्हें मुझे कहीं और किसी और अलमीरा में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मेरे किचन में ही स्टैक हो गई है अच्छे से. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू, बाय बाय.